शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसने मुझे पागल बनाने की कोशिश की, अंजलि और मेरे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। अंजलि को मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये तुझे किसने कहा? पीटर ने। उस पीटर को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने तुझे ये बताने की हिम्मत कैसे करी? इसका मतलब तू शामिल था इन सब में। इस घर का बेटा होकर इसी घर की खुशियों को आग लगा दी तूने। तुझे अपना खून कहने में शर्म आ रही है मुझे? निकल घर से, अभी के अभी निकल, वरना पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगी तुझे। सुना नहीं तूने? निकल मेरे घर से बाहर, निकल। जो दुश्मन मेरा भाई निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। निकल, तू मेरी आंखों के सामने था, मैं तुझे कभी पहचान नहीं पाया। निकल निकल। मैं पागल हो गया था जो मैंने इस धोखेबाज आदित्य पर विश्वास किया और अपनी अंजलि पर नहीं। मेरी अंजलि निर्दोष है, मासूम है। अंजलि, अंजलि, अंजलि घर पर नहीं है। ताई जी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या? घर से बाहर? क्या इससे पहले भी आपको ऐसे चक्कर आए हैं? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ। गोपाल जी, हमारी अंजलि का बसा बसाया घर उजड़ने मत देना। अब उसकी और परिश्रम मत लो गोपाल, कोई तो चमत्कार करो कि उसके यश जी उसे वापस मिल जाए। आइए। क्या हो डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है? घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है, आप नानी बनने वाली हैं। जी हाँ, अंजलि माँ बनने वाली है। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? हम आप कभी माँ नहीं बन सकते। क्या, आपसे किसने कहा कि आप माँ नहीं बन सकती? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम
तो सुदित्य के गले लगी हुई थी। झूठ है ये सब। हमने सिर्फ आपसे प्यार किया है, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। आपके अलावा किसी और के बारे में सोचने से पहले हम मर जाएंगे। यशांजलि, तुम्हारे नए बिजनेस का पूरा सेटअप तैयार है। अंजलि का फोन भी बंद है। अंजलि अगर यहां नहीं है तो शायद सुबोध अंकल के पास गई होगी। हाँ यश बेटा, सुबोध अंकल, अंजलि वहां आई है क्या? नहीं, वो यहां तो नहीं आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अंजलि का फोन ऑफ था ना, तो मुझे चिंता हो रही थी। सर मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, आप चिंता मत कीजिए। अंजलि, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़ी गलती हो गई कि तेरे दूसरों की बातों पर विश्वास करके तुम पर और तुम्हारे प्यार पर शक किया। मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं अंजलि। हो गई गलती अंजलि, लेकिन अब वापस आ जाओ ना, यश के पास आ जाओ। क्या कर रहे हो यश? ये मत भूलो कि आदित्य के साथ साथ उस अंजलि ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है। देखो इस वक्त वो दोनों घर पर भी नहीं है, कहीं वो दोनों साथ में तो नहीं? रुचा! Stop it! अंजलि के खिलाफ अगर तुमने अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी इतने दिनों से तुम और तुम्हारी माँ मेरे दिल और दिमाग में अंजलि के लिए जहर भर रहे हो, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। देखिए ये इस रिपोर्ट में तुमने कहा है कि हम कभी हथी बन सकते हैं, इसी क्लिनिक की रिपोर्ट है ना ये डॉक्टर? हाँ ये रिपोर्ट तो यहीं की है और एक महीना पुरानी भी है। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये रिपोर्ट झूठ है? हाँ इतनी बड़ी मिस्टेक रिपोर्ट में कैसे हो सकती है? एक मिनट मैं चेक करती हूँ। हमारी रिपोर्ट के हिसाब से तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप कभी मां नहीं बन सकती। हाँ रिपोर्ट्स में कुछ मिस्टेक तो है, उस वक्त डॉक्टर रीना इंचार्ज थी ना। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, तो माँ बनने वाली हो अंजलि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। सच? यस। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।